मैं अपने निकाह पे रो पड़ा था. येस यू हर्ड मी राइट, आई क्राइड ऑन माई निकाह. जिन लोगों को नहीं पता, मेरी शादी हुई थी. माई निकाह वॉज ऑन द 14th of January. बहुत ही मुबारक जुम्मा था. एंड मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी आफ्टर माई निकाह, ऑफ मी क्राइंग, लाइक हगिंग माई वाइफ एंड क्राइंग. सो अ लॉट ऑफ पीपल केम अप टू मी एंड आस्क्ड मी, यार आप रोए क्यों थे? एंड आई सडनली यू नो बिकेम वायरल के अच्छा यार ये रोने वाला दूल्हा. सो मैंने सोचा कि रोने वाले दूल्हे के बारे में एक वीडियो बना लेते हैं, बता देते हैं फाइनली कि क्यों रोया था. तो मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है एंड यू नो वेन एवर आई स्पीक टू देम दे लाइक यू नो ओके सारी चीज़ें ठीक है, बट वाई डिड यू क्राई ऑन योर निकाह? तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं. मेरा निकाह 14 जनवरी को हुआ था. अनिया को मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ. जब आप एक इंसान को इतने लंबे अरसे से जानते हैं, 4, 5, 6 साल से, और आपकी ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश कि मेरी शादी जो है, मेरा निकाह जो है, वो इस पर्टिकुलर इंसान के साथ हो, और जब वो चीज़ सच हो जाती है ना, तो एक इमोशंस का एक यू नो देयर इज अ गश ऑफ इमोशंस, और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन वर्ड. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या. सो हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया बैक इन जनवरी, यू नो जनवरी फरवरी में हमारी बात पक्की हो गई थी. एंड मुझे अनिया बता रही थी कि यू नो हमारी बात पक्की हो गई. मेरे पेरेंट्स से मिलने गए थे एंड यू नो कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे मिठाई के डब्बे खुल गए. एंड आई स्टिल डिडंट बिलीव इट. आई एम लाइक यू नो आई थिंक यू नो ये कोई मजाक हो रहा है, तुम लोग मजाक करो मेरे साथ. सो मेरी बहन, मेरी अम्मी और मेरे वालिद साहब गए थे. तो यू नो मैं बहुत सरप्राइज हुआ एंड मुझे तब तक यकीन नहीं आया जब हमारी इंगेजमेंट हो गई. सो आवर इंगेजमेंट वॉज बैक इन जुलाई. तो जुलाई में जब मेरी इंगेजमेंट हुई, आई वॉज लाइक डूड दिस इज़ रियल. एंड फिर एक दो महीने के अंदर अंदर ही हमारी शादी की जो डेट्स हैं वो हमने फाइनल कर दी, विच वॉज जनवरी 14th हमारा निकाह. मेरे नज़दीक जो निकाह होता है उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऑफकोर्स रिलीजियस एस्पेक्ट से तो है ही, बट मेरे लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा थी. यू नो बारात, मेहंदी वगैरह पे लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, मैंने भी किया, बट निकाह हैड अ वेरी यू नो स्पेशल यू नो प्लेस इन माई हार्ट. नाउ वॉट हैपन्ड वॉज, हमारा निकाह स्केड्यूल था 14th को. मैंने कराची में मैं लैंड किया अराउंड समय अराउंड आई थिंक 12 या 13 को, एक दो दिन पहले. जैसे ही मैं लैंड मैंने किया यू नो एक दो दिन बड़े कैजुअली यू नो लोग मुझे बोलते यार वैसे तो लगी नहीं रहा तुम्हारी शादी है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी शादी पे आए हो. एंड आई इवन फेल्ट दैट वे. तो मुझे अनिया के एक दोस्त ने बोला कि उसकी शादी हुई थी, तो वो मेरे पास आया, उसने बोला कि भाईजान ये अभी फीलिंग आ रही है, जब तुम साइन करने लगोगे ना तब तुम्हें थोड़ा ना रियलाइजेशन होगी और यू नो तुम्हारी कैफियत बयान करने लायक नहीं होगी. इट्स लाइक ओके देख लेते हैं. तो हम सब हॉल में इकट्ठे हुए, मेरे दोस्त भी इस्लामाबाद से आए थे एंड अनिया के दोस्त भी वहाँ पे थे. सो एक बहुत अच्छा माहौल था, हम सारे मिल रहे थे एंड आई वॉज वेरी वेरी कैजुअल उस टाइम पे. आई वॉज लाइक ठीक है यार यू नो शादी हो रही है, कोई इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड फिर मौलवी साहब आए एंड मेरे वालिद साहब साइड पे बैठे हुए थे. अनिया का निकाह दूसरी जगह पे हो रहा था, मेरी ज़रा दूसरी जगह पे हो रहा था. तो पहले यू नो अनिया का निकाह हुआ वहाँ पे, उसके मामू ने कराया, वो उसके वकील थे. एंड यू नो मुझे कुछ नहीं पता था कि अनिया का निकाह हो रहा है नहीं हो रहा. तो थोड़ी देर बाद यू नो बहुत आवाज़ें आई खुशी की, यू नो आई सॉ पीपल क्राइंग एंड मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था. तो इस साइड पे मैं मौलवी साहब के साथ और अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था. तो व्हाट हैपेंड वाज के यू नो वो निकाह पढ़ा रहे हैं एंड मैं मेहर तो मेरे वॉलेट में था बट मेरे पास एनवेलप नहीं था देने के लिए. तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार कैन यू प्लीज़ अरेंज एन एनवेलप. तो वो अब पता नहीं कहाँ से यू नो अरेंज करके लाया एंड वो अब मुझे तंग करने लगा, यू नो बार बार यू नो ये लो एनवेलप. सो खैर दैट वाज द फनी पार्ट ऑफ इट. एंड निकाह जैसे ही पढ़ लिया यू नो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यार मेरे से कबूल है क्यों नहीं बुलवाया. तो मेरे से बुलवाया, मैंने कबूल किया. सो उसके बाद मैंने किए साइन और जैसे ही वो मैंने 3 साइन किए उसके बाद मेरे जो दिल की धड़कन थी वो यहाँ पे आ गई और मुझे नहीं समझ आया कि मुझे क्या फ़ील हो रहा था उस टाइम पे. मैं मेरी नज़र अपने वालिद साहब की तरफ थी, मेरे वालिद साहब की मेरी तरफ थी. एंड यू नो मेरे वालिद साहब ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है एंड आई कुड सी हिम क्राई और यू नो मैं बस यू नो मेरी आंखों में आंसू आ गए एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. यू नो आई ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स एंड दे वर ऑफकोर्स यू नो हैप्पी टीयर्स के यू नो लुक डैट यू नो इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी. तो हमने बिल्कुल ही यू नो नज़रों में यू नो गले लग के इस तरह बातें कि वी डेंट एक्चुअली स्पीक बट आई न्यू दैट वी आर टॉकिंग. तो यू नो वो एक बहुत एक
ऐसा बॉन्ड आई डोंट थिंक मेरे साथ ऐसा कभी भी हुआ है, मैंने कभी इतना स्पेशल फील किया है, बट आई कांट टेल यू, शायद बरकत होती है ने कहा कि क्या रीजन होती है, आई डोंट नो। तो दैट वेरी मोमेंट आई फेल्ट सो क्लोज टू माई फादर, आई थिंक आई हैव नेवर बीन दैट क्लोज। एंड फिर उसके बाद जो भी आसपास खड़े थे उनसे मैं मिला, एंड बड़ा एम्बेरसिंग था कि सारे समझेंगे यार ओ मैं इतना टफ एक्ट करता हूँ, बॉडी बिल्डर टफ गाय, तो ये यार ये तो रो पड़ा है। तो मैं फिर समझाना चाह रहा था कि यार इट्स नॉर्मल टू क्राई। मैं थोड़ा सा आगे गया, अपनी वालदा से मिला, और फिर फाइनली अनिया वाज वेटिंग फॉर मी, एंड मैं जैसे ही उससे मिला, आई डिडंट रियली प्लान ऑन क्राइंग, इट वाजंट इंटेंशनल, बट व्हाट हैपेंड वाज आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। और वालिद साहब के साथ तो मैं शायद मुश्किल से शायद 10 सेकंड रोया होऊंगा, बट अनिया को गले लग के मैं शायद आई कांट इवन एक्सप्लेन, आई थिंक लाइक प्रॉपर 2-5 मिनट्स आई वॉज क्राइंग। तो अगर कोई आदमी रोता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो बहुत वीक है या कोई इशू है। हमेशा रोने का मतलब ये नहीं होता, रो वो इसलिए भी सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे अनिया को गले लग के ऐसी फीलिंग आई कि यार वी मेड इट, हम जो चाह रहे थे हमने अचीव कर लिया, वी रियली रियली वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू ईच अदर एंड इवेंचुअली वी डिड, अल्लाह डिड हेल्प अस, एंड वो बहुत करम करने वाला है। मैं आज भी कभी वो वीडियो देखता हूँ, मेरी नज़रों के सामने से गुजरती है, या मैं वो पिक्चर भी देख लेता हूँ, या मैं वो इवेंट याद कर लेता हूँ, आई स्टिल फील लाइक क्राइंग कि यार इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डेज ऑफ माई लाइफ। ऑफकोर्स आपकी शादी होती है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन मुझे उस इम्पॉर्टेंस की खुशी नहीं थी, मुझे उस मौके की खुशी थी कि यार ये जो 4-5 साल हमने कोशिश की कि हमारी शादी हो जाए, वो आज सच हो गई है, एंड बोथ द फैमिलीज आर टुगेदर एंड देर वेरी वेरी हैप्पी एंड दे शेयर अ वेरी वेरी स्पेशल बॉन्ड। तो उन चीज़ों को जब आप उस टाइम पे सोचते हैं कि यार मुझे कितना मुश्किल लग रहा था और ये चीज़ कितनी आसान हो गई, तो जब आप एक चीज़ करना चाहते हैं तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप दिल से कोशिश करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रोने वाली वीडियो वायरल कैसे हुई। तो मुझे निकाह के अगले दिन सारे फ़ोन करना शुरू हो गए, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली वाले, एंड दे वर लाइक यार तुम बड़े क्यूट लग रहे थे रोते। आई एम लाइक ओके बट वेयर डिड दे फाइंड आउट। तो मुझे बाद में पता चला कि वीडियोग्राफर ने पता नहीं कहाँ से घुस के एक बिल्कुल जूम शॉट ली मेरे रोते हुए, तो और उन्होंने अपने पेज पे भी लगा दी थी। दिस इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, आई डोंट माइंड, बट उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये इतने ज़्यादा लोग मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा ना एम्बेरस हो रहा था उस टाइम पे कि आई एम अ मैन, आई एम स्ट्रॉन्ग, हाउ कैन पीपल नो दैट आई क्राइड, बट आई हैव नो शेम। आदमी रो सकते हैं, आदमी अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, चाहे वो रो के करें चाहे वो खुशी से करें, हर किसी का एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं कोई जानबूझ के नहीं रोया था, एक ऐसा गश ऑफ इमोशंस था कि मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, एंड आई एम एक्चुअली वेरी वेरी ग्लैड कि मैं सारी चीज़ें, सारे जो दुनिया के बैरियर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो तोड़ के आई क्राइड, आई ब्रोक द स्टीरियोटाइप दैट मैन कांट क्राई, मैन कैन क्राई, एंड इफ मैन फील लाइक क्राइंग दे शुड क्राई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जी जो वीडियो वाले थे उन्होंने मेरी वीडियो वायरल कर दी, और लोग मुझे टिकटॉक से लिंक भेज रहे थे, स्नैक वीडियो की भेज रहे थे, इंस्टाग्राम की भेज रहे थे कि भाई तुम हर जगह पे आ गए हो। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड दिस इज़ व्हाई आई क्राइड ऑन माय निकाह। आई फेल्ट दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। कुछ ऐसे लड़के हो सकते हैं, काफ़ी मैंने लड़के देखे हैं अपने दोस्तों में भी कि यार मर्द को दर्द नहीं होता, यार मर्द को दर्द भी होता है, मर्द रो भी सकता है, और ज़रूरी नहीं स्टीरियोटाइप ना करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ स्पेसिफिक मर्द नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जज्बात मर्द के भी होते हैं यार। मुझे ऐसा फील हुआ, मैं रो पड़ा, आई हैव नो शेम इन इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योरसेल्फ टू। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।